Let's do an in-depth makeup tutorial. This just gives a beautiful. मुझे full coverage नहीं चाहिए. यहाँ का foundation टिकता ही नहीं है. काफी ज़्यादा लगा दिया है. The jungle almost हो गया है. पूरी makeup कैसे काया पलट जाती है. I don't know ये मैंने पहले क्यों use नहीं किया. Hi guys, what's up? Welcome to my channel. Welcome to another video. I hope you all are doing well. So for today's video, I am sharing my everyday glam with all of you because मुझे share करना है और काफी लोगों ने पूछा था. I was like, okay, let's do it. हर रोज एक तरह का मेकअप होता है जो मैं करती हूँ. कई बार मैं कुछ प्रोडक्ट स्किप करती हूँ, कई बार मैं बहुत टाइम होता है तो प्रॉपर करती हूँ, बट एवरी टाइम इट टर्न्स आउट टू बी अमेजिंग. सो आई थॉट दैट लेट्स डू एन इन डेप्थ मेकअप ट्यूटोरियल. लेट्स डू इट. So my skin is fully prepped and I'm going to start my makeup with this liquid luminizer from Rare Beauty. It's in the shade Enchant. It is such a good luminizer. पहले मैं foundation के बाद लगाती थी, but अभी off layer I've started doing it before makeup and this just gives a beautiful sheen to the face. I always like to blend it with this brush. It's actually a foundation brush, but I don't apply my foundation with this brush. मैं generally beauty blender ही prefer करती हूँ, so that's the reason I use this brush for luminizer. I don't like a lot of shine and a lot of highlighter, but मुझे वो एक natural sheen जो आती है वो बहुत पसंद है. Foundation लगाने के बाद बिल्कुल वैसा लुक आएगा and I absolutely love it. So if you can see, I'm not sure light से reflect हो रहा है कि नहीं हो रहा है, but it just instantly gives a very nice sheen to the face. Next up, I'm moving on with my foundation and generally rose अगर मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ shoot करना है, so I mostly prefer this foundation because ये काफी lightweight है and मुझे full coverage नहीं चाहिए. I like जब मेरे थोड़े से जो dark spots है या जो भी थोड़ा सा texture है वो skin का दिख रहा है, I like it that way. So I'm going to use this. I like to just make dots like this all over the face, a little under the eyes. बचा कुछ forehead पे. मैं forehead पे थोड़ा सा foundation कम लगाती हूँ because काफी जल्दी crack होने लगता है मेरे forehead पे. If you can see, जो भी थोड़े बहुत texture है, जो भी थोड़ा सा pigmentation है, वो दिख रहा है and I don't mind it. So मेरा forehead थोड़ा सा tanned है, so I'm not sure कैमरे में ऐसा लग सकता है कि शेड मैच नहीं है फाउंडेशन, बट इट इज़ एग्जैक्टली माई शेड मैच. पहले मैं बीच में काफ़ी टैन हो गई थी, तो ये फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मेबलिन इन द शेड 128, ये बहुत ब्राइट हो गया था मेरी स्किन के लिए, बट वापस मेरा कॉम्प्लेक्शन जैसा था वैसा हो चुका है, सो नाउ इट वर्क्स एक्चुअली. सो नाउ इफ यू कैन सी ऑल ऑफ दिस, लाइक थोड़े बहुत जो डार्क स्पॉट्स वगैरह है वो वैसे ही दिख रहा है. ओ बाय द वे, आई हैव टू टेल यू दैट दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज बाय दिस ब्रांड कॉल्ड प्रॉश ब्यूटी एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर्स आई हैव एवर यूज्ड. आई लव इट. जब से इसे यूज करना स्टार्ट किया है और किसी ब्यूटी ब्लेंडर की तरफ मैंने रीच आउट किया ही नहीं है, बिकॉज दिस इज सो सॉफ्ट एंड इट ब्लेंड्स योर फाउंडेशन, ब्लश, हाईलाइटर, एवरीथिंग लाइक अ ड्रीम. सो जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस. Now I'll move on with a liquid blush and I'm using this one by Etude. It's their Dear Darling tint. The shade number is RD306. It's a bright red. It's so pretty. I love this look. Okay, बाकी किसी का मुझे नहीं पता है. I like to go overboard because this just gives such a beautiful flush of color on your cheeks. Do you see that? With that Rare Beauty highlighter and this blush, it's just magic. Love it. Onto the other cheek. मैं जिम में भी जब ये लगा कर जाती हूँ, वर्कआउट करने के बाद जो एक प्रॉपर स्वेट और ब्लश सब मिक्स होके जो इतना सुंदर सा ग्लो आता है ना मेरी स्किन पे, मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल ग्लो है ये मेरा. सो आई लाइक टू मेक लाइक अ ब्रिज ऑफ सॉर्ट्स. मैं इस तरह से पूरा ब्लश लगाना प्रेफर करती हूँ. आई डोंट नो, इट जस्ट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल सन किस्ड लुक. सो नाक पे इतना नहीं, बट यू हैव टू मेक दैट ब्रिज. ओके, दिस इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड मैं हल्का सा इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई पैची लाइन्स ना दिखे. इट शुड लुक सीमलेस. सेम थिंग ऑन द नोज एंड ऑन द अदर चीक. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू रियली हैव टू सेट एवरीथिंग अप. सो आई एम यूजिंग दिस इनिसफ्री नो सीबम मिनरल पाउडर. इट्स अ रियली गुड पाउडर. तो मैं इसे हल्का सा निकालती हूँ पहले साइड में. सो सबसे पहले जो भी क्रीजेस वगैरह है उसे निकालेंगे. I actually forgot concealer. One second guys. हल्का सा concealer लगाएंगे, बहुत हल्का सा. We could have skipped that part, but I was like, मैं proper आपको makeup दिखा रही हूँ, then I might want to use the concealer, क्योंकि मैं लगाती हूँ.
यहाँ लगाऊंगी. दिस इज एन एरिया, कई बार मैं अंडर आईज नहीं लगाती हूँ बट जनरली अराउंड माई माउथ बिकॉज आई हैव पिगमेंटेशन, मैं इसे कवर करना प्रेफर करती हूँ. सो बस इतना ही लगाना है, थोड़ा सा यहाँ, हल्का सा यहाँ. दैट्स अबाउट इट. वी जस्ट ब्लेंड दिस. आइडियली कंसीलर मैं ब्लश से पहले लगाती बट क्योंकि अभी मैं भूल गई थी, हमने बाद में लगाया. डू सी द डिफरेंस? यहाँ पे हल्का सा डार्क स्पॉट्स, ब्लैकनेस थी, कंसीलर के बाद वो कवर हो गई है. After applying my concealer around the mouth, my lips kind of neutralizes. तो उससे जब मैं lip shade लगाती हूँ तो वो और अच्छे से enhance होता है. मैंने थोड़ा सा powder लिया. I'm just going to apply it on my under eyes and eyelids. That's it. The same thing on the other under eye. अब जितना थोड़ा बहुत बचा कुछ पाउडर है सारा मैं ले लूंगी. आई स्टार्ट विथ माई फोरहेड बिकॉज फोरहेड इज वन एरिया जो बहुत जल्दी क्रीज होता है. एंड लाइक आई मेंशन, यहाँ का फाउंडेशन टिकता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता है, बस निकल जाता है लिटरली. ओके, नाउ वील मूव ऑन विथ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोर. मैं बहुत हल्का कॉन्टोर करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस. आई हैव दिस स्मैश बॉक्स का पैलेट, मैं ऐसे 3 शेड्स ले लेती हूँ, निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ. थोड़ा सा इल्यूजन है बेसिकली, ज्यादा प्रोडक्ट दिखनी नहीं चाहिए. एंड अगर मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ तो गाइज ये ब्लश इतना नहीं रहेगा. मैं लिक्विड ब्लश अवॉइड करती हूँ. इफ आई एम ऑडिशनिंग देन लिक्विड ब्लश इज अ स्ट्रिक्ट नो बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा नेचुरल लुक पसंद है. नाउ आई विल मूव ऑन टू ब्लश, माय फेवरेट नास इन द शेड ऑर्गेज्म. मेरे पास ये लिक्विड में भी है, लिक्विड ब्लश, बट वो इतना पसंद था कि आई वॉज लाइक ओके ये पाउडर फॉर्म में भी चाहिए मुझे. काफी ज्यादा लगा दिया है. सेम ब्रश को मैं आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे लगा देती हूँ ताकि हल्का सा जो भी पिगमेंट है वो थोड़ा सा आ जाता है. इट जस्ट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक क्रीज ऑफ सॉर्ट्स बट एक नेचुरल टच देता है. ओके, सो नाउ आई विल मूव ऑन टू आईज. एंड फॉर आईज आई एम यूजिंग दिस पैलेट बाय कीरो शैडो मी. बड़ी सुंदर सी पैलेट है, बहुत ही हैंडी है, छोटी सी है और इसमें जो बेसिक शेड्स मुझे लगते हैं वो आ जाते हैं. इसमें 2 शेड्स है ब्राउन के जिसे मैं बहुत यूज करती हूँ. यू कैन एक्चुअली सी कि इन्हीं दोनों को मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड राइट हियर. बस एक रैंडमली लगाना स्टार्ट करूंगी. ओके, दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द डार्कर शेड and create a little bit of crease. But it has to blend really well. Wo dikhna nahi chahiye. Okay, that's it. That's all. Same process on the other eyelid. You must be noticing ki maine brows nahi kiye. Brows ek aisi cheez hai jo main bade end mein karna prefer karti hu. Usme mujhe thoda sa waqt lagta hai. That is it. Ab main chhota brush leti hu. ऐसा थोड़ा सा राउंड ब्रश, सेम जो लाइट शैडो लिया था वही लूंगी. थोड़ा सा अंदर से अच्छा सा एक डेफिनेशन दे दूंगी क्योंकि कई बार बड़े ब्रश से अच्छे से अप्लाई नहीं होता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर इट नाइसली. द सेम डार्क शेड ड्रॉप शैडो लगा के उसे मिटाना है. ओके, दैट्स द ट्रिक. अगर आपको एक ऐसे नेचुरल सा लुक चाहिए, लगाया और ऐसे करके निकाल दिया. लव इट. ऑन एन एवरी डे बेसिस मैं ज़्यादा आई लाइनर, काजल ये सब नहीं लगाती हूँ अनलेस मेरे लुक में रिक्वायरमेंट है, मैंने ऐसा कुछ पहना है और मुझे मन कर रहा है. सो टुडे वी गोइंग टू स्किप दैट. विल स्ट्रेट अप मूव टू मस्कारा बट बिफोर दैट वील डू द आईब्रोज. सो फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस ब्राउ पेंसिल बाय एल्फ. इट्स अ रियली नाइस पेंसिल. थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, ऑलमोस्ट ब्लैक बट नॉट ब्लैक एग्जैक्टली. सो आई एम गोइंग टू लाइन माई ब्राउज. काफ़ी बढ़ गई है ब्राउज मेरी, जंगल ऑलमोस्ट हो गया है बट वी विल इग्नोर दैट नाइसली. ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस, इट्स वेरी इजी. पहले हम कैसे करते थे, हमें आउटलाइन बना के दी जाती थी उसके बाद हम इसमें कलर करते थे. यू जस्ट हैव टू एग्जैक्टली फॉलो द सेम प्रोसेस. अगेन आई एम टेकिंग दिस छोटू सा पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी. बड़ा अच्छा सा पैलेट है, मैंने अभी भी खरीदा और मुझे अच्छा लगा. चारों शेड है, मैं ब्लैक ही प्रेफर करती हूँ. Now I like to take my spoolie and just brush it. Very very natural. Brush mein product nahi le rahi hu. I'm just going to take the leftover product and apply it nicely. So the brow is done. Do you like it? Because I like it. Ab chalte hain setting spray ki taraf and I'm using this Charlotte Tilbury airbrush setting spray. Toh sa shake karenge. हवा मारेंगे अपने आप को. अगेन दिस इज अ स्टेप जो मैं रोज नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ. नाउ आई विल टेक माय ब्यूटी ब्लेंडर एंड जेंटली डैब इट.
nice and easy. Now onto my favorite step, which is the mascara. And for mascara, mostly मैं दोनों mascara use करती हूँ. This one's by Estee Lauder. उनका mini है, the Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. It's an amazing mascara. And this one's by Chanel. ये बहुत ही fancy है. ऐसे करके press करना होता है, तो ये खुलता है. And then you just so सबसे पहले I will be using the Chanel mascara. एक छोटा सा gentle coat. Earlier I used to use another mascara from Chanel, but वो मुझे मिला नहीं तो मैंने ये ले लिया. This is also nice, but that one was amazing. Okay. So first coat is done, and that's how my lashes are looking. लोअर लिड नहीं किया है मैंने, बिकॉज वो मैं एंड में करना प्रेफर करती हूँ. नाउ आई टेक माय Estee Lauder mascara. इसका वॉन्ड इज टू गुड. मिनी है बट वॉन्ड देख लो. Just going to do another coat. Do you see the difference? Yeah, minor difference है, but हाँ, आपकी पार्क ही नजरों से ही आपको पता चल सकता है. Normal किसी को नहीं पता चल सकता. We're done. Love it. Lashes लगाते ही पूरी मेकअप कैसे काया पलट जाती है ना. लव इट. ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, विच इज द लिपस्टिक. एंड फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस रोमांड लास्टिंग लिप टिंट इन द शेड 09 लीची कोरल. एंड गाइस, इट इज सो गुड. आई डोंट नो ये मैंने पहले क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद इट. नाउ द ट्रिक इज टेक योर फिंगर्स एंड जेंटली डैब इट. बहुत सुंदर सा टिंट आ जाता है. ऐसा लगता भी नहीं है कि आपने लिपस्टिक लगाई है. स्टिल देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टिंट ऑन योर लिप्स एंड द लुक इज कंप्लीट. लव इट. That's it for this video, guys. I hope you like this look, and if you happen to recreate this, please tag karna aur mujhe dikhana. I would love to see that. And yeah, comments batao aur kya videos aap dekhna chahte ho. Please suggestions do, because hum hamesha confused ho jate hain ki what all exactly you all want to see. So yeah, help us. And I'll see you in my next video. Till then, take care, lots of love. Bye bye.